देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी क्यों उलूल जुलूल फैसले ले रही है। उससे तो मैं सबसे पहले मिश्रा जी से ही समझना चाहूंगा, मिश्रा जी से बहस की आज शुरुआत करूंगा। मिश्रा जी, देखिए कोई भी कानून जब आता है, मुझे लगता है कि भारत में एक रवायत हो गई है कि मोदी सरकार अगर कोई कुछ सुधार कर रही है तो उसका विरोध जायज हो जाता है, और कुछ गिने चुने जो लोग होते हैं, वही चेहरे बार बार हम रिपीट देखते हैं, हर मामले में वही चेहरे होते हैं। मतलब कुछ अच्छा भी किया जाए, बुरा भी किया जाए, तो भी उसमें मीन मेक निकालना है और आपको विरोध करना है। लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या इस फैसले का भी विरोध होना चाहिए? यह फैसला इतना खराब है? देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी क्यों उलूल जुलूल फैसले ले रही है। बीजेपी को 21 साल नहीं करना चाहिए था, बीजेपी को इसको घटा के 6 साल कर देना चाहिए था। और फिर देखिए, इस देश की 25 करोड़ आवाम बोलती जो माइनॉरिटी में है, वाह सुभान अल्लाह, क्या डिसीजन है, क्या फैसला है, अल्लाह ताला आपको जन्नत नसीब करेगा। इन बेशर्मों को, ये जो बोल रहे हैं ना कि पर्सनल उसमें इंटरफेरेंस है, पर्सनल डिसीजन या पर्सनल लॉ में इंटरफेरेंस नहीं है, पर्सनल इंजॉयमेंट में इंटरफेरेंस है। खुद पर्सनल डिसीजन या पर्सनल लॉ में इंटरफेरेंस नहीं है, पर्सनल इंजॉयमेंट में इंटरफेरेंस है। खुल के बात कर ली जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। जो आपने कई प्रवक्ताओं को बताए, और ओवैसी साहब अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल समझते हैं, उनका शायद एक स्टेटमेंट था, और ये साइंटिफिक पैरामीटर से जरा डिस्कस कर लिया जाए कि ये क्यों सही है। जी, वोट देने के लिए 18 साल की उम्र और शादी के लिए 21 साल की उम्र। इन नासमझों को आपके चैनल के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ, वोट देना जो है वो एक मेंटल एबिलिटी का काम है। मेंटल एबिलिटी जल्दी डेवलप होती है, जल्दी डेवलप हो सकती है। आपने देखा होगा, क्लास 5th का बच्चा है और वो 10th और इतने के अपने से हायर स्टूडेंट को पढ़ा रहा है। लेकिन शादी में एक मेंटल और फिजिकल और सोशल सारे पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो जो वहां पे मेच्योरिटी हर एक चीज की चाहिए वो 21 ईयर में परफेक्ट वे में आती है। ये साइंटिफिक फैक्ट है। जो लोग ये बोल रहे हैं कि वोट देने के लिए 18 साल, अरे बहुत सिंपल सी चीज है, 18 साल में कोई भी लड़का या लड़की ये समझ सकता है, उसकी मेंटल एबिलिटी होती है इस चीज को डिसाइड करना कि उसके मुद्दे क्या है, उसके फेवर की कौन सी पार्टियां हैं। अब रही बात इसका विरोध क्यों हो रहा है, पहला रीजन पर्सनल इंजॉयमेंट, जो कुछ भेड़िए बैठे हैं, मैंने बोला ना कि बीजेपी अभी 6 साल कर दे, फिर देखिए, वाह सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अब मतलब बधाइयां, दुआएं, कसीदे पढ़े जाने लगेंगे इनके लिए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है, कहीं ना कहीं एक ऐसी नब्ज पे हाथ रखा है कि लोग बिलबिला पड़े हैं, इस मानसिकता के लोग। ये जितने लव जिहाद वगैरह होते थे, जब बच्चियां जो है अगर कानूनी रूप से उनको 16 साल या 18 साल है तो उनके लिए मौका और मिलता है, 21 ईयर में उनकी जो है मैच्योरिटी और सोशल बॉन्डिंग वगैरह और होगी, तो उस चीज पे भी रोक लगेगा। तो इन लोग, ये लोग इसलिए बिलबिलाए पड़े हैं कि अब लव जिहाद कैसे करेंगे, पर्सनल इंजॉयमेंट कैसे होगा। जहां पे 6 साल में शादी हो जाए, वहां 21 साल करना 3 गुने से भी ज्यादा, तो आप, ये उनके बैकबोन पे ये अटैक हुआ है। अब वो बेचारे खुल के बोल भी नहीं पा रहे हैं इन आस्तीन के सांपों से। मिश्रा मिश्रा साहब, मैं ये समझना चाहूंगा, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि जैसे अगर दूसरे मुल्कों की अगर हम बात करें, अमेरिका जैसा बड़े मुल्क का उदाहरण अगर देखें, तो वहां तो 13 ही साल है शादी की उम्र। ये कहते हैं कि 13 साल की वहां पे कानूनी उम्र है। भाई हमने बात की ना, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, 6 साल की भी उम्र में भी शादियां हुई हैं, तो 6 साल क्यों? इनके लिए तो कोई पैदा हो तभी से शादी के लिए उसको वाजिब मान लिया जाए। ये बेशर्म लोग हैं। रही बात अमेरिका और इंडिया की, अमेरिका में तो 500 ऐसी चीजें हैं, तो उसको फॉलो क्यों नहीं करते हो आप? यहाँ पे इंग्लैंड में 500 ऐसी चीजें हैं, आप उसको यहाँ पे, आप इनसे पूछिए कि अमेरिका में छेड़खानी वगैरह की कितनी घटनाएं या इस तरह की जो गंदी हरकतें यहाँ पे होती हैं, अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे, अपने आप, अपने ऊपर एक लबादा ओढ़ लेंगे अपने तर्क को बचाने के लिए, अपनी मानसिकता को सही साबित करने के लिए। लॉजिक तो है नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ 6 साल अभी कर दीजिए, देखिए फिर आपके नाम पे दुआएं पढ़नी शुरू हो जाएंगी, इतनी दुआएं मिलेंगी कि आप जीते जी आपको जन्नत नसीब होगी। चलिए तो चलिए मिश्रा, इसके पीछे चलिए मिश्रा मैं आता हूँ। आपके राजनीतिक विश्लेषक जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे थे, मुझे लगता है कि इस तरह की भाषा का प्रयोग टेलीविजन चैनल पे डिबेट के दौरान नहीं होनी चाहिए। और ऐसा लगता है जैसे मोदी कैबिनेट, राहुल जी नहीं, मैं आ रहा हूं नब्ज पे, कांग्रेस के दुखती नब्ज पे। मैंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया, किसी आदमी का नाम नहीं लिया, बल्कि एक प्रवक्ता, इस्लामी स्कॉलर बैठे हुए,
हुए हैं, उन्होंने तो मोहम्मद साहब को बीच में ले आ दिया। अब उसका जवाब अगर मैं दे दूंगा तो फिर ये होगा कि देखो जी मैं तो ऐसी बोली भाषा, मैंने कोई अनुचित शब्द प्रयोग किया, मैंने तो बोला 21 साल की जगह 6 साल कर दे फिर बीजेपी की जयकार होने लगेगी। यही कांग्रेस वाले चाहते हैं, यही सपा वाले चाहते हैं, यही मुस्लिम स्कॉलर चाहते हैं। उसका तो बेस है, देखिए ये बोलेंगे उसका तो एक बेस है जी, फलाने जगह उसका जिक्र है, लेकिन 21 साल का कहीं कोई बेस नहीं, ये गलत फैसला है। हाँ नहीं, 21 साल तो सिंगापुर वगैरह में 21 साल ही है उम्र उसकी। और मैं मिश्रा जी, मैं ये कहना चाहता था, आपने कहा कि मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह के फैसले लाए जाते हैं, लेकिन आपको भी जानकारी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये पूछा था कि इस पर आपकी क्या राय है। उसके बाद एक जया जेटली के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था और उन्होंने देश की 16 यूनिवर्सिटीज में जाकर लड़कियों से बात की, अलग अलग जाति धर्म की लड़कियों से बात की, और सबकी जो राय थी वो मोदी सरकार को उन्होंने दी। जी ये सबसे जरूरी मुद्दे हैं, इन मुद्दों को पहले सुलझाया जाना चाहिए, ये बेसिक मुद्दे हैं। तीन तलाक लाया गया था, तीन तलाक से भी कितनी प्रॉब्लम होती है महिलाओं की, क्या जिंदगी नर्क बन जाती है, उस पे भी इन्होंने हाउल्ला मचाया। तो ये सब तो सबसे बेसिक मुद्दे हैं जो काम पहले हो जाने चाहिए। जी 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 मैं